कर देंगे सॉल्व। वीडियो को अंत तक जरूर देखें अगर आप जीमेल यूज करते हैं तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि, आप देख रहे हैं टॉप गुरुज। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपना जीमेल यूज करते हैं तो कैसे आप इन 5 प्रॉब्लम्स का आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है, जो जो भाई लोग हमारे जीमेल यूज करते हैं तो अंत तक जरूर देखें और इन टिप्स को अपनी उंगलियों पर रख लें और सीख लें, ताकि आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों बिना कोई समय बात करें चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। दोस्तों करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले दोस्तों क्या आपको यूज करना है, अगर आप जीमेल यूजर हैं सबसे पहले अपना जीमेल लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको मैं एक एक करके स्टेप्स बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है अगर आप जीमेल यूजर हैं। आपने अगर अपना अकाउंट को सेव करना चाहते हैं, सबसे पहले सेफ एंड सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं, तो उसकी मैंने वीडियो बना दी है। आप जाके मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके वो वीडियो पूरी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अगर आप जीमेल यूजर हैं तो आपको ये काम आने ही चाहिए, आपको ये काम सीखना ही चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि आपने अगर अपना इनबॉक्स पे क्लिक कर रखा होगा तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो रखा होगा। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि भाई सोशल में अगर मैं देखूं ये लिंक्डइन के जितने मुझे मेल्स आ रहे हैं या फिर मैंने कोई और कोरा का वगैरह का मैंने अपना ले रखा है, वही सोशल में ना के मेरे को प्राइमरी में आए, तो आप इजीली इनको सेलेक्ट करिए और आप ड्रैग करके प्राइमरी में पुट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही आप प्राइमरी में पुट कर देंगे तो इसका मतलब जब भी कोई लिंक्डइन से रिलेटेड आपके पास मेल आएगा तो आपके प्राइमरी में आएगा, ना कि सोशल में आएगा। ठीक है, अगर आप प्राइमरी से कोई मेल सोशल में डालना चाहते हैं या आप चाहते हैं भाई मैं प्रमोशंस मेल को अपने प्राइमरी में मेंशन कर लूं या सोशल में मेंशन कर लूं, तो आप इजीली सेलेक्ट करिए और उसको ड्रैग करके सीधा सोशल में पुट कर दीजिए। जैसे आप सोशल में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मेल आपका सोशल में दिखाई दे जाएगा। दोस्तों ये सबसे पहले टिप हो गई कि हम मेल को कैसे ड्रैग कर सकते हैं, ताकि जिस भी फोल्डर में जिस भी हमें अपने ऑप्शन में चाहिए, प्राइमरी में चाहिए, सोशल में चाहिए, प्रमोशन में चाहिए, तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत एक सिंपल बहुत अच्छा फॉर्मेट दोस्तों, एक ये हो गया। और दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 की, कि अगर आप अपना मेल भेज चुके हैं गलती से वो चला गया है तो आप उसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं भेजने के बाद भी। ये आपको मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है, आप गलती से जिन लोगों को भेज देते हैं, अब आप चाहते हैं, आप रिग्रेट करते हैं, यार उस लोगों को मेल क्यों चला गया, मैं अभी उसको भेजना नहीं चाहता था या फिर कुछ उसमें चेंजेस करने थे, तो वो मेल आप रोक सकते हैं दोस्तों। ये चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 2 पे हम बात करेंगे जीमेल अंडू सेंड की। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर आप होम पेज पे ही हैं तो आपको क्या करना है, ट्रिक्स वाइज बताऊंगा सबको आपको। जैसे आप होम पेज पे हैं तो राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो आपको सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों। राइट हैंड साइड पे सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे और सेटिंग पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड नंबर पे सेटिंग है, सेटिंग पे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। जैसी सेटिंग ओपन हो जाएंगी दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आप नीचे आइएगा, आप ड्रैग करके नीचे आइएगा दोस्तों। जैसे आप ड्रैग करके बिल्कुल नीचे आएंगे जनरल सेटिंग्स में, आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंग्वेज, फोन नंबर्स, मैक्सिमम अंडू सेंड दे रखा है, तो आपको अंडू सेंड पे आना है और सेंड कैंसिलेशन पीरियड को 5 सेकंड ना करके आप यहाँ पे जितना सेकंड चाहे उतना कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आपसे गलतियां हो जाती हैं तो आप उसको 30 कर सकते हैं। ये 30 सेकंड अगर आप कर देंगे उसके बाद आपको ड्रैग करना है और आपको नीचे आना और सेव चेंजेस पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं, ये रिफ्रेश होएगा जीमेल, एक बार रिफ्रेश हो चुका है दोस्तों, देखिएगा ये लोडिंग जीमेल ले रहा है। और उसके बाद दोस्तों अगर आप कंपोज करते हैं, सपोज करिए मेरे ड्राफ्ट में कुछ मेल है, ठीक है, अब मैं अपना ड्राफ्ट ओपन करता हूं और जैसे मेरे ड्राफ्ट में मेल है और दोस्तों मैं किसी को यहाँ पे मैं अगर मैं किसी को भेजना चाहता हूँ, सपोज करिए मैं एक मेरा किसी फ्रेंड का है ये मेल आई डी, मैं उसको भेजना चाहता हूँ और मैंने उसका ईमेल आई डी यहाँ पे डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे दोस्तों सेंड पे क्लिक कर दिया, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सेंड पे क्लिक तो हो गया है। अब देखेंगे आप नीचे की साइड मेरे से यहाँ पे पूछ रहा है मैसेज सेंड अंडू या व्यू मैसेज। दोस्तों मैं अगर अंडू पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा मैसेज अभी तक नहीं पहुंचा है, मेरा मैसेज वापस आ गया है क्योंकि मैंने उसकी सेकेंड लिमिट बढ़ा दी थी।
ठीक है दोस्तों, अगर वो 5 रहता तो तब तक मैसेज चला जा चुका होता और आपकी गलती उस तक पहुंच चुकी होती। लेकिन आप जैसे ही अपने सेकंड्स बढ़ा देंगे तो आपका अंडू टाइम पीरियड बढ़ जाता है। अगर आप 10 सेकंड 15 सेकंड बाद भी अगर वो चीज़ याद आती है तो आप सीधा अंडू पे क्लिक करके अपने मैसेज को वहीं रोक सकते हैं, अपनी गलती को ठीक करके आप उसको सेंड करके फिर उसको भेज सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये तो बात हो गई नंबर 2 की, लेकिन अब अगर नंबर मैं 3 की बात करने जा रहा हूँ, नंबर 3 भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि इस ईमेल आईडी के अलावा यही जो आपके पास जो मेल आ रहे हैं वो किसी और ईमेल आईडी पे जाएं, आप चाहते हैं कि इस मेल आईडी के अलावा भी किसी और मेल आईडी पे जाएं, तो वो आप कैसे करेंगे दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज करिए आप अपने कलीग्स के साथ कोई काम कर रहे हैं, आप एक टीम काम कर रहे हैं, आपके क्लाइंट ने कोई मेल भेजा, आप बिजी हैं और आप चाहते हैं कि आपका फ्रेंड वो काम कर ले, या फिर आप चाहते हैं भाई एक मेल आईडी है उसके थ्रू हमारे सारे क्लाइंट्स जो भी मेल आए तो हमारे 5 एम्प्लॉय हैं, 5 के 5 एम्प्लॉय आसानी से पढ़ लें, तो वो आप कैसे करेंगे, एक ही मेल आईडी से कैसे ऐड करेंगे, वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, होम पेज पे आने के बाद वही आपको राइट हैंड साइड पे सेटिंग पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे आपको जाना है। और दोस्तों सेटिंग्स पे आपको जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे फॉरवर्डिंग एंड पॉपअप /IMPA है, इस पे आपको क्लिक करना है फॉरवर्ड पे। ठीक है दोस्तों, इस पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे IMPA को आपको क्या, यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे आपको दे रखा है फॉरवर्डिंग एड अ फॉरवर्डिंग एड्रेस, इस पे आपको क्लिक करना है। और आप अपने जिस भी जीमेल आईडी पे आप अपना बंदों को भेजना चाहते हैं तो आप आसानी से उसकी जीमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब आप जो भी मेल आपके पास आएगा तो वो मेल इस आईडी पे भी पहुंच जाया करेगा नेचुरली, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये जीमेल का खुद का प्रोसेस है, इसमें कोई आपको थर्ड पार्टी से नहीं लिंक करना है, आपका सीधा मेल उस मेल आईडी पे भी पहुंच जाएगा। अब इसको नेक्स्ट कर देंगे, तो नेक्स्ट करने के बाद आपसे कंफर्मेशन मांगेगा फॉरवर्डिंग मेल टू TRPNewsIndia@gmail.com, इस पर आप प्रोसीड पे इसको क्लिक कर देंगे। तो ये हो गया, एड अ फॉरवर्डिंग एड्रेस भी आपका कनेक्ट हो चुका है। अब जो भी मेल आपके पास आएगा अगर आप इसने लिंक कर दिया आप उसको आसानी से दोस्तों फॉरवर्ड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बात करता हूं दोस्तों फोर्थ नंबर पॉइंट पे कि हमारा फोर्थ नंबर पॉइंट क्या होगा। दोस्तों फोर्थ नंबर पॉइंट हमारा होगा प्रीव्यू पेन। अब प्रीव्यू पेन क्या होता है दोस्तों? प्रीव्यू पेन ये होता है कि अगर आप अपने आपके पास टाइम्स बहुत कम है और आप चाहते हैं मेल्स को फटाफट रीड करना, बिकॉज अगर आप ऐसे मेल लेके खोलेंगे अब उसको खोलेगा, खोलने के बाद आप देखेंगे कुछ पढ़ेंगे और उसके बाद दोस्तों फिर आप बैक करेंगे, फिर आप अगले मेल पर खोलेंगे, फिर इसको बैक करेंगे पढ़ने के बाद, फिर आप वापस जाएंगे, तो ये आपका टाइम टेकिंग बहुत हो जाता है। अब आपको इसका टाइम टेकन कैसे कम करना है, बिकॉज टाइम इज रियली वेरी वेरी प्रीशियस, आप ये टाइम टेकन कैसे कम कर सकते हैं दोस्तों? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वहीं सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद थर्ड नंबर पे सेटिंग पे चाहिए, यहाँ पे एडवांस, यहाँ पे एडवांस दे रखा होगा सेटिंग्स के अंदर, आपको एडवांस पे क्लिक करना है। और एडवांस पे आपको दोस्तों जैसे आप नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे प्रीव्यू पेन का ऑप्शन दे रखा है, इनेबल द एबिलिटी टू टॉगल ऑन ऑफ द एबिलिटी टू व्यू योर मैसेज साइड बाय साइड विद द मैसेज लिस्ट, तो ये डिसेबल हो रखा है, हम इसको इनेबल कर लेंगे। और इनेबल करने के बाद दोस्तों हम इस पर कर देंगे सेव चेंजेस। और दोस्तों सेव चेंजेस करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से ओपन हो जाएगा, तो आप अपने राइट हैंड साइड पे देखिएगा यहाँ पे आपको करना पड़ेगा वर्टिकल स्प्लिट, नो स्प्लिट की जगह नहीं वर्टिकल स्प्लिट आपको करना पड़ेगा। जैसे आप वर्टिकल स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ दोस्तों कुछ इस तरीके का स्क्रीन आपके उस पर स्टार्ट हो जाएगी। अब आप सपोज करिए कोई भी मेल बना रहे हैं तो बनाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप तुरंत क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका मेल प्रीव्यू हो जाएगा, आप तुरंत यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद मेल आपका प्रीव्यू यहाँ पे आसानी से दोस्तों हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब मैं बात करने जा रहा हूँ जीमेल शॉर्टकट्स की। अगर आप अपने आप चाहते हैं आपके पास टाइम कम है और आप शॉर्टकट सीखना चाहते हैं, मैं जीमेल में फटाफट मैं मेल खोलूँ, फटाफट अपना कॉपी कंटेंट डालूँ और सीधा मैं फॉरवर्ड कर दूँ, तो वो आपको मैं शॉर्टकट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका क्या करता हूँ, नो स्प्लिट कर देता हूँ, तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब जैसे भी आप चाहते हैं वर्टिकल करना या हॉरिजॉन्टल करना, जैसे भी आपकी मर्जी हो, पर लेकिन वर्टिकल थोड़ा बेटर होता है इसलिए मैं वर्टिकल बताया। अगर आप हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं, आप जैसी आपकी कॉल हो आप वैसे उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर लास्ट हम बात करने जा रहे हैं जीमेल शॉर्टकट्स की दोस्तों। जीमेल शॉर्टकट्स दोस्तों हमारे लिए बहुत काम आती है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इन सब पे हम काम कर सकते हैं, हमें करना भी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जीमेल शॉर्टकट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीमेल लॉग इन करने के बाद हम जाएंगे अपनी सेटिंग्स में, सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे। और सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जनरल में आपको रहना ही है, जनरल सेटिंग्स में, जनरल सेटिंग्स में जैसे आप रहेंगे तो उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा कीबोर्ड शॉर्टकट्स का, कीबोर्ड शॉर्टकट का आपको ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे ऑफ हो रखा है, इसको ऑन कर देंगे
और ऑन करने के बाद दोस्तों आप कर देंगे इसको सेव चेंजेस। दोस्तों जैसे आप सेव चेंजेस कर देंगे तो कुछ शॉर्टकट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, बाकी मैं पूरे शॉर्टकट्स की लिस्ट आपके पास जो भी मेरे पास है मैं आपको उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स दिखाता हूँ कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट ऑन कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आप सी प्रेस करेंगे तो आपको कंपोज पे क्लिक करने की जरूरत नहीं, आपका मेल ओपन हो जाएगा। अगर आप इसमें अपना मेल कॉपी करने के बाद सपोज करिए मैंने मैंने लिख दिया कुछ भी और मैं अपना किसी को भी भेजना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया और मैं किसी से पूछ करी मैं किसी को भी अपना भेजना चाहता हूँ या मैं किसी को भेजना चाहता हूँ दोस्तों, तो जैसे मैंने इसको यहाँ पे अपना ईमेल मेंशन कर दिया और मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंट्रोल प्लस एंटर तो मेरा मेल दोस्तों सेंड हो जाएगा। आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा मेल यहाँ पे सेंड हो चुका है। मैं इसको अंडू कर देता हूँ बिकॉज मैंने यह सेटिंग्स लगा रखे हैं, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप जाके ही देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको कुछ और सेटिंग्स और बताता हूँ कि अगर आप कोई मेल भेज रहे हैं कोई ये मेल सपोज करिए मुझे किसी को फॉरवर्ड करना है, अगर आप एफ प्रेस करेंगे तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा, अगर आप आर प्रेस करते हैं तो ये तो नाम आ गया यहाँ पे। सपोज करिए अगर मैं किसी और मेल को ओपन कर लेता हूँ या मैं ये मेल ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद अगर मैं आर प्रेस करूंगा तो इसका मतलब ये रिप्लाई में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ होम पेज पे, होम पेज पे अगर मैं किसी चीज़ को करना चाहता हूँ यहाँ पे मेरे को तो मुझे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पे स्लैश दबाऊंगा तो यहाँ पे कीबोर्ड में जो दोस्तों क्वेश्चन मार्क और स्लैश का तो स्लैश दबाऊंगा तो यहाँ मैं सर्च में आ जाऊँगा। अगर मैं हैश दबाता हूँ, हैश टैग आपने सुना होगा, तो यहाँ पे अगर मैं जनरली यहाँ पे हैश टैग दबाता हूँ तो ये मैं डिलीट में कर सकता हूँ दोस्तों आसानी से मेल। दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन हैं, शॉर्टकट्स हैं, आप जिनको फॉलो कर सकते हैं और आप अपना आसानी से दोस्तों काम कर पाएंगे। पूरा ट्यूटोरियल पूरा समझ में आ गया होगा, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, बिकॉज हमारे पास टॉप गुरुज यानी हमारे यानी टॉप गुरुज के पास पूरे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, चाहे वो पेड से रिलेटेड हो चाहे ऑर्गेनिक से रिलेटेड हो, चाहे फिर आप कोई भी अपना SEO चाहे आप किसी भी चीज की आपको कोई क्वेरी हो आप आसानी से यहाँ पे अपना सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दूं जो आप स्क्रीन पे नंबर चलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, अगर आप उस पर कॉल करेंगे तो आप हमसे अपने बिजनेस के लिए कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो उसके लिए आपको बेल आइकन दोस्तों दबाना ही होगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर आपके लिए कुछ लेके आऊंगा नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी करिए फॉलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप गुरुज।